नेक्स्ट टॉपिक है विरासत के लिए चुनौतियाँ। ठीक है, विरासत जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, बताइए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। वैश्वीकरण, बिल्कुल, वैश्वीकरण के कारण तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण से विरासत के लिए चुनौतियाँ हैं, और जैव विविधता, पर्यावरण में जितना बदलाव आ रहा है, जैसे कि अब ताजमहल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ आसपास इतने फैक्ट्री कारखाना हो गए थे जिसके कारण से पूरा संगमरमर है ना ख़त्म पड़ रहा था, ख़त्म हो रहा था, डिग्रेडेशन हो रहा था। इसके अलावा पर्यटन में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, क्षमता में इतना ज़्यादा क्षमता नहीं है लेकिन क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और तो लिख लीजिए विरासत के लिए चुनौतियाँ। नंबर एक, समुद्र सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए और बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। बनाए और बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। वस्तुतः प्राकृतिक विरासत चाहे भूमि हो या समुद्र, वस्तुतः प्राकृतिक विरासत चाहे भूमि हो या समुद्र, जंगल हो या मरुस्थल, वनस्पतियां हो या पशुधन, सभी को समुचित विकास योजना के अभाव अभाव एवं निरंतर दुरुपयोग के कारण खतरा है। भूमंडलीकरण के कारण होने वाले तीव्र परिवर्तनों के होने वाले तीव्र परिवर्तनों ने विरासत के लिए चुनौती प्रस्तुति की है। पर्यटन में हुई अनियंत्रित वृद्धि ने भी चुनौती बढ़ाई है। पर्यावरण और विरासत के प्रति संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है, पर्यावरण जो हमारा विरासत है उसके लिए ये चैलेंजेस हैं। अब क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं या क्या क्या उपाय किए गए, ठीक है, इन पे चर्चा कीजिए। तो नेक्स्ट इसी में आगे कंटिन्यू कीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए विरासत के संरक्षण के लिए किए गए उपाय। अब उपाय किस तरीके के हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? एक तो संविधान में कुछ उपबंध है, ठीक है, DPSP में कुछ बातें कही गई हैं, इसके बाद मौलिक कर्तव्य में भी बातें कही गई हैं, है ना? कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? पर्यावरण के लिए, हाँ, 49 नहीं है, 49 जानते हैं क्या है? आर्टिकल याद है लेकिन सही तरीके से एक बार देखिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए लिखिए, संविधान निर्माताओं ने संविधान में विरासत के संरक्षण के लिए नागरिकों का कर्तव्य भी बताया है। इसमें कहा गया है कि
कि हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करें, कि हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करें, वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवों सहित पर्यावरण को बचाएं और प्राणियों के लिए करुणा का भाव रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान में उल्लेखित है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक कलात्मक या ऐतिहासिक स्थल तथा वस्तुओं को खराब होने, नष्ट होने, हटाने, बेचने या निर्यात से बचाना राज्य का दायित्व होगा। अब क्या हो रहा है, विकास बहुत गति से हो रहा है, ठीक है, तो विकास के कारण से निर्माण कार्य में यदि बीच में कोई सांस्कृतिक राष्ट्रीय धरोहर भी आ जा रही है तो भी, अब तो बहुत सारे कानून बन गए, एक्ट बन गए, लेकिन शुरुआत में जब प्रारंभ में जब चीज़ें नहीं थी तब बहुत सारी राष्ट्रीय धरोहरें हमारी ख़त्म हो गई। आगे लिखिए, 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई, 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड यह सरकार को वन्य जीवों के संरक्षण एवं बचाव के लिए संदर्भ में तथा राष्ट्रीय पक्षी विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं चिड़ियाघर के निर्माण के संदर्भ में परामर्श देता है। राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं चिड़ियाघर के निर्माण के संदर्भ में परामर्श देता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट, पुरातात्विक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अधिनियम 1958 पारित किया। पुरातात्विक खुदाई से निकली सामग्री, मूर्तियां, आदि की सुरक्षा की जाएगी। यह अधिनियम भारत सरकार के
1904 के अधिनियम का विस्तार है। भारत सरकार के 1904 के अधिनियम का विस्तार है जो कर्जन के समय आया था, जो लॉर्ड कर्जन के समय आया था। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी सरकार की अनुमति के बिना पुरातात्विक खुदाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876 के तहत, भारतीय निधि व्यापार अधिनियम 1876 के तहत कहा गया है कि अचानक कोई वस्तु मिलने पर लोगों को संबंधित राज्य अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। यह अधिनियम आज भी लागू है। अचानक कोई वस्तु मिलने पर लोगों को संबंधित राज्य अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। यह अधिनियम आज भी लागू है। सरकार द्वारा समय समय पर विरासत के संरक्षण के लिए योजनाएं भी बनाई गई हैं। इसी क्रम में 21 जनवरी 2015 को कौन सी योजना पास हुई थी? हृदय। 21 जनवरी 2015 को सरकार ने राष्ट्रीय विरासत विकास और संवर्धन योजना, कोष्टक में लिखेगा हृदय योजना, राष्ट्रीय विरासत विकास और संवर्धन योजना शुरू की है। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय ने पंजाब के अमृतसर से यह योजना शहरी विकास मंत्रालय ने पंजाब के अमृतसर से 14 जुलाई 2015 को आरंभ की। यह देश के 12 शहरों के लिए है। देश के 12 शहरों के लिए है जिसे 27 महीने यानी मार्च 2017 तक पूरा करना है। इस योजना के तहत विरासत स्थलों के एकीकृत समावेशन, एवं टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने की बात कही गई। विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने की बात कही गई। साथ ही स्मारकों के रखरखाव, एवं पारिस्थितिकी तंत्र के उन्नति पर ध्यान देने की बात कही गई।
इसमें विरासत स्थलों पर पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। विरासत स्थलों पर पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। ये 12 शहर क्रमशः बनारसी, मथुरा, अमृतसर, वारंगल या तेलंगाना में पड़ता है, वारंगल, अजमेर, गया, पुरी, द्वारका, पुरी, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, द्वारका, बादामी कर्नाटक में है, कांचीपुरम, अमरावती, बेलकन्नी, बेलकन्नी ये तमिलनाडु में, ठीक है। इस तरह विश्व स्तर पर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ बहत्तर पारित किया गया है। जिसमें विश्व के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत स्थलों को शामिल किया जाता है। दो हज़ार चौदह तक भारत के 32 स्थल विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल थे। ठीक है, अभी ये संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 39 प्लस हो गई है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, इसमें 7 प्राकृतिक हैं और 25 सांस्कृतिक स्थल हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, विश्व विरासत के संरक्षण के लिए उपाय हैं। तो विरासत से संबंधित जो भी टॉपिक था इसे हमने कंप्लीट किया। अब कुछ चीज़ें और हमें यहाँ पर जाननी है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में ही करेंगे, कि जो विरासत का संरक्षण है उसमें जनता की क्या भूमिका है, यहीं पर कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा समय लगेगा। देखिए, संरक्षण में जनता की भूमिका, विरासत संरक्षण में जनता की भूमिका, सबसे अहम रोल जनता का ही है। विरासत के संरक्षण में जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हम का मतलब सारी जनता, हम अनजान स्मारकों, बहुत सारे स्मारक हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई, अनजान स्मारकों, स्थलों, पुरातात्विक अवशेषों को पहचानने में सहायता कर सकते हैं। उनकी चौकसी कर सकते हैं ताकि स्मारक क्षतिग्रस्त ना हो और कोई चोरी ना कर सके। ठीक है, बहुत जगह तो मैंने देखा है, जो बड़े पुराने मंदिर हैं लोग वहाँ के ईंटें और चोरी कर लाते हैं और घर बनवाते हैं। ठीक है, आम तौर पे यही होता है, बाहर की चीज़ मिल गई लेकिन महत्व तो नहीं पता लोगों को उसका। तो ताकि
ताकि स्मारक क्षतिग्रस्त ना हो सके और कोई चोरी ना कर सके, तथा अपने आसपास के लोगों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका कर्तव्य है कि लोगों को समझाएं। ठीक है, तो यहीं तक इसको रखते हैं और इसे टॉपिक को यहीं से कंप्लीट करते हैं।